नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जनपद न्यायालय में पेशी पर आया एक गांजा तस्कर न्यायालय परिसर से अचानक पुलिस कर्मियों को धक्का देकर फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की तो घंटों बाद गांजा तस्कर को जज आवास की छत से पकड़कर जमकर धुनाई की गई। बुधवार को जिला कारागार से गांजा तस्कर सचिन को पुलिस टीम लेकर न्यायालय के लॉकअप पहुंची थी। पुलिस पेशी के लिए उसे कोर्ट में ले गई। इसी दौरान गांजा तस्कर पुलिस कर्मियों को धक्का देकर फरार हो गया। गांजा तस्कर के कोर्ट परिसर से फरार होने की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस फरार गांजा तस्कर की तलाश में जुट गई। घंटों बाद स्थानीय दुकानदारों ने जज आवास में एक संदिग्ध को जाते हुए देखने की पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस जज आवास में दाखिल हुआ और बाहर तलाश किया, लेकिन वह नहीं मिला। लेकिन इसी बीच एक पुलिसकर्मी की निगाह आवास की छत पर गई तो वह गांजा तस्कर छुपा था। पुलिस ने गांजा तस्कर को छत से पकड़ा और जमकर धुनाई की। फरार गांजा तस्कर के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। संतोष उपाध्याय अधिवक्ता। आज यहाँ कैदी फरार हुआ था, प्रत्यक्षदर्शी हैं, देखे हैं क्या घटना हुई थी यहाँ? हाँ, पता चला है कि एक गांजा तस्कर था जिसको पेशी पे लाया गया था, शायद उसका नाम सचिन था। उसको लाया गया था पेशी के बाद उसको ले जाया जा रहा था यहाँ से। बाहर निकलने के उपरांत शायद वो सिपाही को वो धक्का दे के उसको वहाँ से उनसे भाग गया। वहाँ से धक्का देने के बाद भागने के बाद कुछ देर बाद उसको छानबीन हुआ, खोजा गया। खोजने के बाद वो जज साहब के आवास के ऊपर छत पे पाया गया, जहाँ से उसको सुपुर्द किया गया। किस तरह से वो भागा है, अंदर ले जाया गया था न्यायालय में, किस तरह से वो भागने में सफल रहा है, पकड़ना तो ठीक है, न्यायालय में ले जाया गया वहाँ पे पेशी के लिए। पेशी के उपरांत वो धक्का देके, चूंकि उसने सिपाही को धक्का दिया, धक्का देने के बाद तुरंत वो वहाँ से भाग गया। गेट पर कड़ी सुरक्षा रहती है, पुलिसकर्मी रहते हैं, क्या उनकी भी लापरवाही मानते हैं, किस तरह से भागा? लापरवाही तो मानी ही जाएगी। उसने दीवान फाना, निरीक्षण भवन के पास एक दीवार है, वहाँ से वो फान के उसको वो जज साहब के आवास के छत पे, मतलब वहाँ पे एक बंगले में कमरा बना हुआ है, वहीं पे छत पे वो पाया गया, वहाँ तब वो पहुँच हुआ था, जाके छुपा हुआ था। जो सुरक्षाकर्मी, क्या उनकी ढिलाई लगती है इसमें? बिल्कुल अवश्य है, ढिलाई उनकी अवश्य है, नहीं तो वो भाग कहाँ से? अगर वो सतर्क रहते तो ऐसे ऐसा मामला नहीं होता। वो सतर्क रहते तो ऐसा मामला बिल्कुल नहीं होता। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।